आपस का सरगर्मी और गर्मी के साथ साथ आज जो है सड़क मतलब घर से सड़क और सड़क से सभा तक की राजनीति है और ये लोग प्रचार कर रहे हैं। आप लोग किसका प्रचार कर रहे हैं? राकेश मुर्दा का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, सभा कार्यकारिणी और क्लब कार्यकारिणी को खड़ा है। अच्छा। और कर्मठ कार्यकर्ता है। हाँ, बहुत ही सुंदर उसकी सोच और विचार है। हाँ, वो सभा को एक नया दिशा प्रदान करेगा। आने वाले में सभा का नया रूप देखने मिलेगा। आने वाले सभा में नया रूप। ये पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी सर। अच्छा, आप चारों के चारों उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं? नहीं, एक एजेंडा क्या है आपका? आपने मुद्दा क्या रखा समाज के सामने कि ऐसा कौन था समाज के सामने मुद्दा रखा जिससे समाज जो है आपको वोट दे? जो अनियमितता चलती है उसको सही करना, नियम पुराने नियम को चेंज करना। हाँ, समाज के सब जो बंधु बिखरे हुए हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। हाँ, और सही दिशा में समाज की आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाना, ये इन्हीं का मेन एजेंडा है। देख सकते हैं, पूरा नाम क्या है आपका? मनोज कुमार मुंद्रा। अमीर भाई थे, ओम भाई थी। देखते हैं, ओम भाई थी जी वगैरह सब, ओम भाई थी, पवन भाई थी जी, देख सकते हैं सब प्रचार के लिए लगे हुए हैं, अपने अपने कैंडिडेट को जिताने में लगे हुए हैं और जी जान से लगे हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं। और देख सकते हैं, फोटो भी दिखाएंगे ये। वोट फॉर राकेश मोता, वोट फॉर राकेश मोता, राकेश मोता, वोट फॉर राकेश मोता, वोट फॉर राकेश मोता का नारा है, गूंज उठा है गलियों के बीच में। लोगों ने पंखे का भी व्यवस्था की है ताकि हम लोग हवा खा सके। चढ़ाती गर्मी में बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। आज आप जो है इतने सालों से आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं इस इलेक्शन को, सभा का, समाज का इलेक्शन को, उसको आज के रूप में क्या आपको क्या लगता है, जो पहले होता था वोटिंग और जो आज हो रही है उसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा आपको? अंतर देख सकते हैं तानवी। देखिए, आप कुछ बता रहे थे कि पहले और अभी में क्या अंतर है? एक कई जमानों से आप देखते आ रहे हैं ये सभा का इलेक्शन, मैश्री सभा का, पहले और आज में क्या अंतर दिख रहा है आपको? बहुत अंतर है। आज जिले में जो व्यवस्था है बहुत दुरुस्त व्यवस्था है, पहले कभी नहीं हुई। लेकिन देखिए, एक बात बताता हूँ, 6,000-7,000 वोट गिरेगा उसके हिसाब से, जिस हिसाब से पोलिंग बूथ बनाया हुआ है 75-80, आज जो टाइमिंग है क्या वो टाइमिंग बढ़ाना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत स्लो हो रही है पोलिंग मैं देख रहा हूँ। ये बहुत स्लो नहीं है, ये जैसे अगर होगा ये चुनाव आयोग क्या इसको माननीय रखेगा? नहीं, मान रखना पड़ेगा भाई, आज इतने दूर से वोटर आ रहे हैं, उनका मान तो करना ही पड़ेगा। लोग पूरे कलकत्ता से नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल से वोटर आ रहे हैं। जो मैंने देखा गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, कईयों लोग बस भर भर के लेके आए हैं, तो टाइमिंग चुनाव आयोग को बढ़ाना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कंप्लेन है चुनाव आयोग को, अगर चुनाव आयोग टाइमिंग नहीं बढ़ाता है तो आप लोग क्या करेंगे? चुनाव आयोग टाइम बढ़ाएगा ये मतलब कि वोटरों का मान रखने के लिए बढ़ाएगा, वोटरों का मान रखने के लिए वो बढ़ाएगा। एक वोट, देखिए थम्सअप की बात चल रही है, थम्सअप है कहाँ? थम्सअप जीतने के बाद, जीतने के बाद थम्सअप। देख सकते एक वोट थम्सअप, एक वोट एक थम्सअप, एक वोट एक थम्सअप। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ, जैसे ये बात उठ रही है जिस हिसाब से पोलिंग हो रही है वो बहुत स्लो हो रही है, अगर 5 बजे टाइमिंग हो जाता है और लोग लाइन में कतार में लगे रहते हैं, क्या वोटिंग होगी? वोटिंग 10 बजे तक चालू रखो, एक वोट एक थम्स अप नहीं होगी? 6 बजे तक, 6 बजे तक टाइम वोटिंग का, 6 बजे तक का, 6 बजे तक। अगर 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 चुनाव आयोग बंद कर देता तो आप लोग क्या करेंगे? वो नहीं बंद करेगा, जितना मेंबर्स लगाएगा सबका वोट का अधिकार है, सबका वोट का अधिकार है, सबका वोट, वोट को भी मुद्दा है। विधानसभा में भी 7-8 बजे तक वोट चलती है। देखिए, घर से आपके धर्म पत्नी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे? मैंने अभी वोट दे के आया। देखिए आ गए क्या? अच्छा, एक वोट देने में कितना समय लगा आपको? मेरे को 5-7 मिनट लगा था, मैंने पूरा दिए थे सब चूज करके। 5 मिनट लगा या 10 मिनट लगा? 10 मिनट या 12 मिनट? 10 मिनट। ऐसा 5 मिनट में वोट हो सकता है? आपको कितना टिक मारना पड़ा? आपको टिक 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 कितना मारना पड़ा आपको? टिक मार कर जैसे मेरे को चूज किया मैंने, टिक मार। नहीं नहीं, कितना मारे, कितने जन को वोट? 4-5 बैलेट पेपर है ना, 5 है, तो 5 में से कितने लोगों को टिक मारना रहता है? उसमें लिखा हुआ था अपने को, जैसे 6 में 6 करने का था, तो वो भैया आए थे, आपको पूरे
कई कट छह में छह किसी में पांच किसी में छह किसी में इक्कीस किसी में ऐसे। अच्छा ऐसे करके था, 90 टिक मारना था, 99 टिक मारना था। तो 99 टिक मारने में 5 मिनट तो नहीं होगा, ज्यादा टाइम लगता है, 15 मिनट, 10 मिनट एवरेज एक आदमी को लगता है। देख सकते हैं 10 मिनट बता रहे हैं, एक आदमी को लगता है। हाँ देख सकते हैं, ये भी आप भी खड़े हुए चुनाव में। एक वोट अशोक कुमार डागा, एमएलए मंत्री अशोक कुमार डागा। कौन हुए? पापा है मेरे। अच्छा पापा, पिताजी के लिए कैंपेनिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पूरा परिवार खड़ा है। आप चाहते क्या है? एमएलए की अवस्था दुरुस्त हो, और बस यही चाहते हैं, सब बढ़िया से हमारे करे, सुस्त रहे, स्वस्थ रहे। एक वोट गिरधरदास मल, एक मल गिरधरदास मल। देखिए ये भी अपने वोट के लिए, और आप क्या मांग रहे हैं जी? अशोक कुमार डागा। अशोक कुमार डागा जी भी एक वोट मांग रहे हैं। सिंचन डागा, सिंचन डागा। करो योग रहो निरोग।